अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू टॉपिक जो कि है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल्स और फैक्टर्स का डिफरेंस कि ये किस तरह एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट हैं, और किसी भी नंबर के अगर हमें मल्टीपल्स और फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम LCM और HCF स्टार्ट करते हैं तो हमें मल्टीपल्स और फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरा इरादा है कि मैं ये चैप्टर्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं उससे पहले आप लोगों को मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में क्लियरली समझा रही हूँ ताकि आप इन दोनों का डिफरेंस जो है वो समझ सकें। और जी, तो सबसे पहले मल्टीपल्स बताती हूँ मैं आपको कि मल्टीपल्स हम किसी भी नंबर में किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और बेसिकली मल्टीपल्स कहते किसे हैं। मल्टीपल्स देखिए, ये वर्ड जो है आपको पता है कहाँ से निकला है, ये वर्ड निकला है मल्टीप्लीकेशन से। मल्टीपल्स का जो वर्ड है वो बेसिकली निकला है मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन मीन्स आपको पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, तो वो हम किस तरह करते हैं, टेबल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक नंबर लेते हैं कि मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे 6 के मल्टीपल्स बताइए, ठीक है। 6 जो है मेरा नंबर है, अब मुझे 6 के वो तमाम नंबर यहाँ लिखने हैं जो कि 6 की टेबल में आते हैं। वो तमाम नंबर जो 6 की टेबल में आते हैं वो 6 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे 6 टाइम 1 इज 6, 6 टाइम 2 इज 12, 6 टाइम 3 इज 18, 6 टाइम 4 इज 24, 6 टाइम 5 इज 30, ठीक है। इसके बाद आपको पता है ये 6 का टेबल जो है जब तक कंटिन्यू रहेगा वो तमाम नंबर जो 6 के टेबल में आते हैं वो 6 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, ठीक है। वो तमाम नंबर जो 6 के टेबल में आते हैं वो 6 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारे पास 9 है, ठीक है, और आप हमें क्वेश्चन है कि 9 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कीजिए, तो वो तमाम नंबर जो 9 के टेबल में आते हैं वो 9 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, लाइक 9, 18, 27, 36, 45 और इट्स टू बी कंटिन्यू। आपको पता है ये भी टेबल्स जो है वो कभी भी खत्म नहीं होते काउंटिंग की तरह, इसी तरह हमने इस चीज के आगे डॉट डॉट्स डाल दिए, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू है, ये जारी हैं, ठीक है। ये तमाम मल्टीपल्स हैं 9 के, ये तमाम मल्टीपल्स थे 6 के। इस तरह अगर हमें किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हो तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीपल्स का क्या मतलब है, मल्टीपल्स का मतलब है यानी कि आप इसको इजीली में कह सकते हैं कि टेबल्स हैं ये। जिस तरह अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि 6 के मल्टीपल्स बताइए, तो वो तमाम नंबर जो 6 के टेबल में आते हैं वो 6 के मल्टीपल्स हैं। तो ये आपको सारे नजर आ रहे हैं मल्टीपल्स, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम फैक्टर्स की तरफ। अच्छा, जिस तरह मल्टीपल्स का ताल्लुक था मल्टीप्लिकेशन से, इसी तरह फैक्टर्स जो है वो बिलोंग करता है डिवीजन से, ठीक है। किस तरह करता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे यहां हमने 6 के मल्टीपल्स फाइंड आउट किए, अगर हम मुझे 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे तो वो मैं किस तरह करूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि 6 जो है वो एग्जैक्टली किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जिस नंबर से 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और हमारा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा वो नंबर कहलाएगा 6 का फैक्टर, ठीक है। देखिए, अगर मुझे यहाँ 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, मैं क्या करूंगी, 6 को डिवाइड करके देखूंगी किस तरह। आपको पता है 6 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो 1 टाइम 6 इज 6, यहाँ मेरे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कि 1 जो है वो 6 का फैक्टर है, ठीक है। 1 टाइम 6 इज 6, ठीक है। उसके बाद मैं 2 से डिवाइड करके देखती हूँ 6 को, 2 टाइम, आपको पता है 2 टाइम 3 इज 6, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ गया रिमाइंडर में 0, इसका मतलब है कि 2 भी जो है वो 6 का फैक्टर है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस 6 को करके 3 से डिवाइड करके देखती हूँ, 3 टाइम 2 इज 6, ठीक है। यहाँ जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 भी जो है वो 6 का फैक्टर है, यानी कि हम 6 को 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे मूव ऑन करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको करके बता रही हूँ कि अगर 6 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम 1 इज 4 एंड 4 टाइम 2 इज 8,
एट तो हम नहीं ले सकते क्योंकि एट जो है वो सिक्स से बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगर हम यहाँ लेते हैं फोर टाइम वन इज फोर, यहाँ हमारे पास टू रिमाइंडर है, इट मीन्स के जो ये हमारा फोर है वो सिक्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई भी चीज वो सिक्स है उसे हम अगर डिवाइड कर रहे हैं किसी भी पार्ट्स में तो उसके फोर पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपको पता है फाइव टाइम वन इज फाइव, फाइव के टेबल में भी सिक्स नहीं आ सकता, उसके बाद सिक्स आता है सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में। सिक्स का अब ये सिक्स डिवाइड हो सकता है सिर्फ अपने टेबल से, सिक्स टाइम वन इज सिक्स एंड देयर इज नो रिमाइंडर। ठीक है, तो कौन कौन से हमें फैक्टर्स नजर आ रहे हैं इस सिक्स के, वन टू थ्री एंड सिक्स, दे ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ सिक्स, ये तमाम क्या है, ये सिक्स के फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक और ये भी मैं आपको बता रही हूं कि हमने सिक्स के फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं सारे। ठीक है, तो हमें पता चला कि वन टाइम वन को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स से तो हमारा आंसर सिक्स आया था। ठीक है, इसी तरह यहां पे हम क्या करेंगे, टू को हमने मल्टीप्लाई किया था थ्री से तो हमारा आंसर आया था सिक्स। ठीक है, इसी तरह जब हमने यहां पे थ्री को मल्टीप्लाई किया था किससे, थ्री को हमने मल्टीप्लाई किया था टू से तब भी हमारा आंसर यहां आया था सिक्स। ठीक है, और यहां पे आपको पता है फोर जो था वो फैक्टर नहीं था सिक्स का, यहां पर अगर हम सिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वन से, सिक्स टाइम वन इज सिक्स, तो देखिए सब में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये सब जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब हैं फैक्टर्स किसके, सिक्स के, ये सब नंबर्स क्या कहलाएंगे, सिक्स के फैक्टर्स। और सिक्स इन नंबर्स का क्या है, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि जो सिक्स है ये इन सब नंबर्स का क्या है, यहां पे हमें पता चल गया कि जो फैक्टर हैं, फैक्टर्स ऑफ सिक्स इक्वल टू, कौन कौन से फैक्टर्स नजर आ रहे हैं हमें, वन टू थ्री, देखें जो रिपीट हो रहे हैं ये आपको पता है, टू टाइम थ्री इज सिक्स भी हम कह सकते हैं और थ्री टाइम टू इज सिक्स भी हम कह सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया कि जो हमारे पास जो डबल डबल हमें फैक्टर नजर आ रहे हैं उसे हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे, वन टू थ्री एंड सिक्स। ठीक है, दे ऑल आर फैक्टर्स ऑफ सिक्स, ये तमाम क्या है, ये सिक्स के फैक्टर्स हैं, इनके अलावा सिक्स का और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई चीज, कोई बॉल सिक्स बॉल्स हैं, ठीक है, तो आप ये उन पूरी बॉल्स को अगर एक बैग में पुट कर दें, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस बैग के अंदर सिक्स जो है बॉल्स हैं। फिर अगर आप आपके पास टू बैग्स हों और आपने इक्वली आप सिक्स बॉल को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके पास अगर टू बैग्स हैं तो आप इन सिक्स बॉल्स को इक्वली हर बैग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास थ्री बैग्स हैं, ठीक है, तब भी आप उन सिक्स बॉल्स को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फोर बैग्स हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया था, अगर आपके पास फोर बैग्स हैं तो आप सिक्स बॉल्स को इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सिक्स बैग्स हैं तब भी आप सिक्स बॉल्स को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, हर बैग के अंदर एक एक बॉल जो है वो आ सकती है। जी, तो यहां बात हो रही थी कि ये तमाम नंबर्स क्या हैं, सिक्स के फैक्टर्स हैं, और सिक्स इन नंबर्स का क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो सिक्स इन तमाम नंबर्स का मल्टीपल है। सिक्स क्या है, इन तमाम नंबर्स का मल्टीपल। मल्टीपल कैसे है, जैसे कि मल्टीपल में मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमें किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने होते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो जो नंबर है उसका जो पूरे टेबल्स में जितने भी नंबर आते हैं वो तमाम उसके मल्टीपल्स होते हैं। ये तमाम नंबर तो सिक्स के फैक्टर्स हो गए, लेकिन सिक्स इनका मल्टीपल कैसे है, सिक्स वन का मल्टीपल कैसे है? अगर मैं यहाँ पे वन के मल्टीपल्स लिख रही हूँ तो वन के मल्टीपल्स कौन से होंगे, वन, यानी कि हम जो वन का टेबल लिख रहे हैं, वन टाइम वन इज वन, वन टाइम टू इज टू, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें मुझे सिक्स नजर आ रहा है तो मैं कह सकती हूँ कि वन जो है, सिक्स जो है वो वन का मल्टीपल है। ठीक है ना, सिक्स क्या है, वन का मल्टीपल है। इसी तरह अगर आपको पता है कि टू, यहाँ टू नजर आ रहा है और मैं टू का टेबल लिखती हूँ, यहाँ टू फोर सिक्स एट टेन, तो यहाँ पे भी मुझे सिक्स नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि सिक्स जो है वो टू का मल्टीपल है, टू जो है वो सिक्स का फैक्टर है। ठीक है,
ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि 6 जो है वो इजीली हम 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर में नहीं बचेगा। अगर हमारे पास कभी भी कुछ रिमाइंडर में यहाँ बच रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये नंबर जिससे हम डिवाइड जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ 0 आ रहा है जब तक, तो उसका मतलब है कि ये जो भी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो उस नंबर का फैक्टर है। ठीक है, इसलिए ये तमाम नंबर देखिए 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम नंबर जो हैं 6 के फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं 6 के? 1, 2, 3, 6। ठीक है, और 6 इन सब का क्या है? 6 इन सब का मल्टीपल है, क्योंकि इन तमाम नंबर के टेबल्स में 6 लाजमी आएगा। 1 में भी मैंने आपको बता दिया, 2 में भी बता दिया, 3 अगर 3 के हम यहाँ मल्टीपल्स लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, ये देखें 6 इसमें आ चुका है। और अगर हम 6 के मल्टीपल लिखते हैं वो तो स्टार्ट ही 6 से होगा। ठीक है, तो ये जो तमाम आपको ये नंबर नजर आ रहे हैं ये 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये तमाम क्या है? फैक्टर्स हैं। किसके? 6 के। और 6 इन सबका क्या है? 6 इन सबका मल्टीपल है। ये जो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको, इन फैक्टर्स की टेबल्स में अगर हम चेक करें तो 6 जो है इन सबका क्या है? मल्टीपल है। इन तमाम नंबर्स की टेबल में 6 यकीनन आएगा। ठीक है, तो आई होप कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स का जो डिफरेंस है वो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।